कल रात को मुझे सोने के लिए ये चारपाई मिल गई तो, और इधर में अपना पानी वानी सब रखा था। हाँ भाई जी, गुड मॉर्निंग, राम राम। ओ भाई सो रहा ना, ऐसे तीनों ऐसे जो और भी हैं वो एक यहाँ से, एक मैं उधर था, एक वो उधर है, बाकी एक जागी रहा क्योंकि ढाबा ना 24 घंटे चलता रहता। और मेरे लिए भी बना रहा है भाई तंदूरी परांठा। राम राम भाई जी ना। और ये है सुबह का साधन अपना। राम राम भाई जी, जय श्री राम। मैं जूते में पहन रहा था, फिर मेरे को लगा कि यार एक बार वीडियो बना के आनी चाहिए। और मैंने बस सामान खोला भी नहीं इतना, बस एक स्लीपिंग बैग था और चादर निकाल दी नीचे बिछाने के लिए, बाकी सब ऐसे ही पैक था। इसके ऊपर पन्नी मैंने ढक दी थी ताकि ओस से भीगे ना ये, और आज पूरा बच गया भाई, वाह। और सुबह भाई धुंध ज़्यादा नहीं है क्योंकि मेन हाईवे है, गाड़ियाँ ले जा रही है हवा उड़ा के, तो सही है। अब निकलेंगे उस तरफ लखनऊ की तरफ, जो कि यहाँ से 400 किलोमीटर तो रह गया। दोस्तों लेते हैं कि शुरुआत करते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय भोले, जय शंकर। आज मेरा अयोध्या साइकिल यात्रा का तीसरा दिन, और पिछले दो दिनों मैंने तकरीबन 165 किलोमीटर के तकरीबन मैंने राइड कर लिया, और अभी है लखनऊ यहाँ से 400 किलोमीटर, तो वो तो भाई तकरीबन 16 तारीख तक वहाँ तक पहुँचा जाएगा। बाकी अभी ना हमें एक साइकिल वाले अंकल जी मिले। अरे क्या कहते, देख राम राम अंकल जी। क्या नाम है आपका? महेश नाम है। कहाँ से हो आप? मैं बाबूगढ़ शामली मेहरोली से आ रहा हूँ। बाबूगढ़ शामली 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 मेहरोली यूपी में ही। और क्या जो रिक्शा होता है ना उसका पूरा सेटअप देखो पहले, ये आगे वाला है, इसमें पूरा टॉर्च वोर्च ये जलता है। बोर्ड भी लगा रखा है एक्सटेंशन के लिए, चार्जिंग के लिए। ये देखो अभी जला के अभी आएगा, शायद करंट चला गया भाई की क्या जुगाड़ बनाना का पूरा एक्सटेंशन। और इस साइड में देखो ये शीशा भी लगा रखा है, आगे वालों को दिख जाए, जो जो आगे ऐसे लाइट मार दे ना अंधेरे में, अगर लाइट कर दे तो ये चमकेगा कि कोई है बंदे को, वो लाइट जल गई, वो हरे वाली, वो नीचे वाली जल गई, बस जल गई जल गई जल गई। और यहाँ पर पूरा एकदम बगीची, चलती फिरती बगीची, एक गमले का पेड़ ये है, इधर पूरा जैसे घर पे सेटअप होता ना, हम दरवाजे में टांग देते हैं गाँव में, अगर आप आओगे तो ऐसा मिलेगा दरवाजे के आगे। और यहाँ पर नेहरू जी का नाम मोहम्मद आमिर अक्रम, ये इसमें, और यहाँ पर मोदी जी योगी जी, ये ऊपर घोड़ों के लिए घर का पूरा सेटअप होता ना, जो तस्वीरें और जो दरवाजे के आगे टांगते हैं गमले वगैरह पानी का, और ये अपना बीजेपी। अरे अरे मोदी तू तो यार, ये तो गजब ही था यार। और कौन अंदर दिखा, तू ही अकेला? अरे दिखा दे। एक मिनट रुक जा यार, ये इकलौता ही है भाई, वाह यार। और ये देखो पीछे बाइक का सीट का जो लाइट होती है ना बाइक के पीछे, वो लगा रखी है ऊपर, ये अमरूद का पेड़ भी। ये अंकल जी का चलता फिरता घर है जिसमें डॉग भी है, और ये अंकल जी देखो कुछ बोतलें भी उठा रखी है, और ये भी है, वाह यार क्या गजब है। और ऐसा नहीं है बीजेपी बीजेपी, नहीं भाई कांग्रेस का भी है, वाह। और ये अपना तिरंगा, ये है अंकल जगह को सेटअप, वाह। और ये इनके रजाई वगैरह, वाह ये पूरा एकदम सेटअप बना रखा है चलता फिरता। ये गजब है, ये देखो अब जल गई ना लाइट, एक रिक्शा ही है सिर्फ ये, बाकी पूरा सेटअप घर का, पेड़ खाना वाना डॉग है। और ये मतलब ना जब आ जाता ना दिमाग में कि भाई घर नहीं जाना, चलते रहना जहाँ तक भी लेके जाएगा ऊपर वाला, बस चलते रहो अपना सारा सामान लेके चलो, बस रास्ते में कोई दिक्कत ना हो। तो ये अंकल जी का देखो, हाँ ये देखा मैंने आपका रजाई, वाह। कितने दिनों से आप निकले हुए हो? डेढ़ महीना हो गया। डेढ़ महीने से अपना सारा सामान साथ लेके निकले हो? हाँ जी, खाना पीना सब। देख रहे हो ये है अंकल जी का सेटअप। सुबह मुझे जो अंकल जी मिले थे ना, मेरे दिमाग से वो ही नहीं जा रहा भाई कि यार वो कितनी मेहनत कर रहे हैं, उस रेडी को खींच भी रहे हैं, चला भी रहे हैं, और अपना किलोमीटर भी निकाल रहे हैं। वो आज कह रहे थे कि अमरोहा से थोड़ा आगे जाकर रुकेंगे, और वहाँ से अमरोहा था 35-36 किलोमीटर के आसपास में, और उनके साथ में जो डॉग था उसका नाम उन्होंने शंभू रख रखा है। मजा आ गया कि यार
क्योंकि भगवान हमारे जो भोलेनाथ है ना, उनको लोग बहुत प्यारे हैं, तो उन्होंने पता नहीं वो पहले रखा था या उन्होंने खुद रखा, लेकिन मैंने जब उनका नाम सुना ना शंभू, मज़ा आ गया। और यहाँ रुके हैं क्योंकि धूप अभी अभी निकली है, 5-10 मिनट पहले भी मैंने इंस्टा पे वीडियो बना के डाला, क्योंकि ना हमें ना एक चैलेंज मिलना है कि यार आप अपनी वीडियो पर जो इंस्टा की वीडियो है उन पर 1 लाख कमेंट करा दो। मेरे ऊपर होता तो मैं खुद ही 1 लाख कमेंट कर देता, लेकिन आप लोग सपोर्ट करोगे तो ज़रूर हो जाएंगे भाई इंस्टाग्राम पे भी। और भाई थोड़ा यूट्यूब पे प्यार दिखाओ यार यूट्यूब पे, क्योंकि हमारा जो डेली का रूटीन होता है सुबह से लेकर दोपहर का, शाम का खाना पीना रहना दे, हम जो भी देखते हैं, क्योंकि एक होता है ना जब हम अपने स्टेट में स्कूल देखते हैं, कॉलेज देखते हैं, दुकान देखते हैं, वो अलग देखते हैं, लेकिन जब दूसरी स्टेट में जाते हैं ना वो दुकानें सेम रहती, लेकिन माहौल चेंज होता है, उनको देखने का तरीका बदल जाता है। तो मुझे लगता है कि यार मैं भी आप लोगों को यहाँ का वो चीज़ें दिखाऊं, लेकिन फिर आता है कि यार ये तो दुकान ही है। तो मतलब मेरी जो सोच है ना वो थोड़ी रहती है कि हर स्टेट का अलग ही माहौल रहता है देखने का। और इंस्टाग्राम पे आप लोगों ने जितना प्यार दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 50,000 तो फॉलोअर हो चुके हैं, लेकिन इस ट्रिप में और दा की ट्रिप में साइकिल ट्रिप में दिखाओ यार प्यार। और अभी ना मैं घर से पिंड खजूर लेके आया था, अभी तीसरा दिन है और ये तकरीबन 10-12 पिंड खजूर, ये थे खजूर 8 ही खाए मैंने 2 दिन में, और 2 ये बता लिए मैंने, ये देखो। भाई मैं चीज़ें बता लेता हूँ क्योंकि कहीं पर ही मन करे ना कि खा लो, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं है। अभी मैं जा रुका हूँ, ये एक ये प्लॉट है जो पड़ा हुआ है खाली, यहाँ पर नाम भी लिखा हुआ है संपत्ति का, मालिक का एम भाटिया जी, और यहाँ पर एक नलका है जो पहले होते थे ना, अब यहाँ राजस्थान में मिल जाएगा, यूपी में मिल जाएगा, लेकिन हरियाणा में अब ख़त्म ही होती जा रही है। और रुक गए थे देखो, और जो धूप निकली है ना बस थोड़ी सी, इसी के लिए बैठ के अपना वीडियो बना के उसको खा के पानी वानी पी के फिर निकलेंगे। और जितने भी लोग कमेंट कर रहे हैं भाई, देखो टाइम थोड़ा मिलता है, बहुत ही कम मिलता है, क्योंकि कल मैंने 92 किलोमीटर चलाया, इससे पहले जब मैं घर से निकला था 67 था, और लोग ठीक है। चलो जय श्री राम। यहाँ से लखनऊ बचा अभी 2361 किलोमीटर, अगर मेरे को उत्तराखंड में एंटर करना है तो नैनीताल पास में पड़ेगा, 147 किलोमीटर बाकी। अभी तो बस लखनऊ फिर अयोध्या, और अभी मुझे दिखाया कि ये होटल जिसका नाम है हॉलीडे रेजेंसी डिलक्स 5 स्टार, वाओ। खतरनाक है भाई, देखना क्या शाइनिंग मार रहा, अभी वो धूप ना निकली, हल्की धूप है तब ये है, अगर धूप तेज हो जाती तो कितना चमके मारता है ये। एक ये दरवाज़ा है, एक उधर है, एक इधर है एंट्री गेट, वो एग्जिट गेट है, तो ये बीच वाला। बाकी अंदर से क्या खतरनाक हो यार, 5 स्टार रेटिंग मिली हुई है इसको, वाह। और अभी हमें मुरादाबाद के अंदर, मुझे लगता है कि जो ठंड में धूप निकलती है ना हमसे ज़्यादा फ़ायदा घर वालों को हो जाता है, जो कपड़े होते हैं ना जो धुल के पहले ही या धुलते हैं वो सब छतों पे आ जाते हैं, देखो एकदम। हर घर की छत पे जो तार बंदी है ना उस पर कपड़े ही कपड़े भाई, पूरे कपड़े ही कपड़े, देखो खतरनाक सीन है, यहाँ से देख रहा हूँ ना हर घरों की छत पे कपड़े ही कपड़े, देखो। जो सामने आप ट्रैक्टर ट्रॉली देख रहे हो ना, ये भी जा रहे भाई पद यात्रा के लिए। कहाँ से आ भाई जी? अमरोहा। और पैदल यात्री कहाँ, वो कहाँ चलने वाले जो चल रहे हैं पैदल, वो है कहाँ, आगे है या यहीं है? ट्रॉली में है। और क्या है वैसे इसमें? 7.5 क्विंटल देसी घी। ये राम मंदिर के लिए जा रहे हैं, राम मंदिर के लिए जा रहा है, हवन पूजन के लिए। वाह देखो भाई, ये दोनों ट्रेलियों में है, एक में है, अच्छा उसमें खाना वाना का आपका जी। तो ये है दोनों ट्रेलियों में, और ये पूरा इसमें लिखा है भव्य जग जननी श्री बालाजी 84 घंटा दरबार, पद यात्रा चल रहे भाई ये भी। पर ये है कि सुबह 4 बजे निकल लेते हो आप जी। बहुत सफ़र करते हो वैसे, 50-60 किलोमीटर निकाल लेते हो ये पैदल में। और कितने लोग हैं टोटल? हम अब तो हैं 7-8 जने, फिर कुछ रामपुर से होंगे साथ, और लखनऊ से हैं कम से कम 20-25 साथ। आपकी तो एंट्री तुरंत ही है। हमें दिक्कत हो जाएगी भाई। तो ये है देखो, अभी भाई रुके हैं यहाँ कुछ खाने वाने के लिए। ये मेरे पीछे जो अंकल जी है ना, गर्म गर्म पकौड़े उतारे थे, तो खाने का मन हो गया एकदम, चल यार रुकते खाते हैं।
और पकोड़े छोड़कर मैंने ले लिए दो ब्रेड और साथ में दे दी हरी चटनी, प्याज, मूली और एक हरी मिर्च। वाह, क्वेश्चन दे आगे भाई। जी तो ऐसा कर रहे हैं ना आलू, ठंड गई टाल कर दे भाई, क्योंकि अब धुंध आ गई ना, शाम हो गई और धुंध आनी शुरू हो गई। अब बस कहीं रुकने का अपना ठिया देखेंगे। ओ भाई क्या पुल है यार, और लोगों ने ना जमीन कब्जा रखे, नदी किनारे जो भी है ना गेहूँ बो रखे उस पर देख। अरे भाई साहब क्या दिन था आज का, युवा मज़ा आ गया। तो आज का रुकने का प्रबंध यहाँ हो गया इस ढाबे पर, जमींदारा पंजाबी ढाबा। देखो वो मेन हाईवे है जहाँ से अभी गाड़ियाँ वो जा रही है ना। देखो जो पेट्रोल पंप है और ये ढाबे के बीच में जो रोड है ना, अभी वो वन वे हो गया क्योंकि दूसरे रोड पे काम चल रहा है एकदम खतरनाक वाला, उसको बहुत चौड़ा कर रहे हैं एकदम वो रोड है। तो यहाँ से इतना आ गया मैं तकरीबन 100-150 मीटर मेरे राइट साइड में। और ये भाई जी थे, इन्होंने मैं रहने का अभी तिरपाल सुखाया मैंने, क्योंकि जो गिल्ला मैंने पेट्रोल पंप पे लगाया था ना, थैंक यू भाई जी, जो मैंने पेट्रोल पंप पे लगाया था वहाँ भीग गया था ये सारा। देखो कितना गिल्ला हो रखा है ये पूरा, मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सूख जाए तब यहाँ बिछा के उधर से अपना लाइट लेके इधर में आराम से मस्ती से सो जाएंगे, और खाना होगा तो यहाँ ढाबे पे कुछ खा लेंगे। जब भाप उठ रही है भाई सब्जी में, ये है गाजर और मटर की सब्जी। बाकी ढाबा पे है ना हाफ़ का सिस्टम भी होना चाहिए, इधर में तो हाफ अगर बोल दो ना, नहीं भाई नहीं फुल ही मिलेगी लेना चलो नहीं तो चलो। और दो रोटी, जो पीछे पकौड़ी खाई थी मैंने वो मिल गया रहे उनसे पेट भरा, थोड़ा ही खाऊंगा। ये अपनी सलाद वगैरह आ गई इधर में रखी है प्लेट में भी, तो बाकी ये मज़ेदार लग रहा है मेरे को बस। तो हो गई भाई पेट पूजा और अपने टेंट में आ गया मैं, खाना वाना खा के एकदम पेट पूरा भर गया, क्योंकि पहले ना मैंने वो खा लिए थे पकौड़े ब्रेड खाए थे जो दिखाया था। और यहाँ पे मच्छर घूम रहा भाई, ये देख ये रहा, ये अभी ठंड में इतने देखो ये आ रहा है। ये अलग ही मैटर था इसका तो, बाकी आज हम आए हैं 85 किलोमीटर, कमाल हो गया यार। बाकी सुबह लेट हो गए थे क्योंकि वीडियो वगैरह डालनी थी और फ़ोन वगैरह डिश थे तो चार्ज कर लिए थे, उसकी वजह से थोड़े लेट हो गए थे। बाकी कोशिश करेंगे कल जल्दी निकलने की। और मैंने खाने के लिए निकाल रखा कि रात को अगर भूख लगेगी ना तो ये गूंद है सांदा, इसमें मीठा है काजू बादाम वगैरह सब कूट फाट के डाल रखे हैं। और एक्सटेंशन बोर्ड मैंने लगा लिया यार, इधर में आ गया और क्या बोलेंगे। बाकी ये था हमारा आज का व्लॉग, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हाय रे वो होता ना कि जब ज़्यादा खा लेते ना सांस नहीं आता, मैं घूम के भी आया अभी ऐसे चक्कर काट रहा था कि यार थोड़ा हल्का हो जाए पेट, पर ना हो रहा, चलो लेट के करेंगे। तो जय श्री राम, जय भोलेनाथ।